बांदा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने 10 मार्च को सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ बताते हुए जनता से प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा बांदा की चारों विधानसभाओं के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने है तो एक विशाल जनसभा का आयोजन बांदा के मटौंद कस्बे में किया। केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह विशाल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पहले सपा शासनकाल और बसपा शासनकाल में यहां तक कि कांग्रेस शासनकाल में भी इस बुंदेलखंड में चित्रकूट धाम मंडल में कट्टे बनाए जाते थे, गोलियां भरी जाती थी। अवैध तरीके से और उन कट्टों से मतदाताओं को धमकाया जाता था, पक्ष में वोट लेने की बात कही जाती थी, जो वोट नहीं देता था पक्ष में उसके गाँव के गाँव जला दिए जाते थे, करों को नष्ट कर दिया जाता था। यहाँ पर बहुत सारे डकैत हुए हैं, डकैतों का इस्तेमाल बसपा सपा कांग्रेस पार्टी करती रही है। जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, योगी आदित्यनाथ आए हैं, उन्होंने डकैतों का सफाया कर दिया है। पहले सपा सरकार में बिजली आती नहीं थी, अब यह है कि भाजपा सरकार में बिजली जाती नहीं है। पहले कानून व्यवस्था एकदम दोस्त थी, अब कानून व्यवस्था में मजाल क्या कि कोई किसी को